शंकरानंद बोले, शांति शांति। बैजू रोते हुए बोला, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया। शंकरानंद ने कहा, शांति शांति। बैजू ने चरणों से लिपट कर कहा, गुरुवर शांति जा चुकी है, अब मुझे प्रतिहिंसा की इच्छा है, प्रतिकार की आकांक्षा है। प्रतिहिंसा हिंसा के बदले में की गई हिंसा, प्रतिकार बदला, आकांक्षा इच्छा। शंकरानंद ने बैजू को उठाकर हृदय से लगाया और कहा, तुझे मैं वह शस्त्र दूंगा जिससे तू अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सके। बैजू उछल पड़ा और बोला, कहाँ है वह शस्त्र? शंकरानंद ने कहा, उसके लिए 10 वर्ष तपस्या करनी होगी। बैजू ने कहा, मैं इस समय गुस्से से पागल हो रहा हूँ, 10 वर्ष क्या, मैं जीवन भर विपत्तियाँ उठाऊँगा, कष्ट सहूँगा, भक्ति करूँगा, तप करूँगा, परंतु वह शस्त्र अवश्य लूँगा जिससे प्रतिहिंसा की अग्नि शांत हो जाए। क्या 10 वर्ष बाद वह मिल जाएगा? शंकरानंद ने कहा, हाँ। बैजू झुक गया, आप साक्षात ईश्वर हैं, आपका उपकार आजन्म नहीं भूलूंगा। इस घटना को 12 वर्ष बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए, कई बस्तियां उजड़ गई, कई बस गई, बूढ़े मर गए, नए लोग पैदा हो गए, जो तरुण थे उनके केश श्वेत हो गए, यानी जो जवान थे, तरुण मीन्स जवान, उनके केश श्वेत हो गए, अर्थात वे बूढ़े हो गए। बैजू बावरा तरुण हो चुका था, बैजू बावरा जवान हो चुका था और गान विद्या में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहनी आ गई थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते और पक्षी मुग्ध हो जाते थे। एक दिन शंकरानंद ने हंसकर कहा, मेरे पास जो कुछ था तुझे दे डाला। बैजू तू पूर्ण गंधर्व हो गया है, अब मेरे पास और कुछ नहीं है, अब तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी। बैजू हाथ जोड़कर बोला, गुरुवर आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा, आज्ञा करें। शंकरानंद बोले, प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोचे विचारे कह दिया, प्रतिज्ञा करता हूँ कि। इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।